पुनासा जनपद के सदस्यों के द्वारा खंडवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि पुनासा जनपद पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के न होने के कारण जनपद की 69 पंचायत में समस्त कार्य लंबित है। जनपद पंचायत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के द्वारा साधारण सभा की बैठक एवं सामान्य प्रशासन की बैठक आज दिनांक तक नहीं हुई है एवं समितियों का गठन एवं सभापति भी नहीं बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह सरपंचों का मानदेय बढ़ाया है उसी अनुसार जनपद सदस्यों का मानदेय बढ़ाया जाए। पुनासा से पदम सिंह चौहान की रिपोर्ट। आज यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, किस मकसद से उपस्थित हुए हैं और क्या मामला था ये? पुनासा जनपद से माननीय सभी जनपद सदस्य जी कलेक्टर साहब के यहाँ एक ज्ञापन देने के लिए आए थे। 4 माह से साधारण सभा की बैठक और निर्माण समितियों का गठन जो होना था वो आज दिनांक तक नहीं हो पाया है जी। और पुनासा जनपद में सीओ भी सस्पेंड है और इस कारण बहुत सारे जो काम हैं, निर्माण कार्य हैं, जनता जनार्दन के शासन प्रशासनिक कार्य है, उसमें बहुत बाधाएं आ रही है और उसी को लेकर श्रीमान कलेक्टर महोदय से हम ज्ञापन के रूप में मिलने आए थे कि वहां पर चार्ज किसी भी सीओ के माध्यम से दिया जाए ताकि शासन के सारे काम, जनता के काम सुचारू रूप से हो सके और साधारण सभा की बैठक के माध्यम से जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको मान सम्मान मिले। भूमि पूजन है, भूमि पूजन के बाद लोकार्पण के कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों में भी उनको अवसर मिले, सहभागिता मिले, उनको मान सम्मान मिले, इसलिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाया है तो माननीय जनपद सदस्यों का भी मानदेय बढ़े और इनको भी विकास कार्यों के लिए जो अपने जनपद क्षेत्र आता है उसमें विकास कार्य हो उसकी भी राशि अधिक से अधिक बढ़े। जैसे पूर्व में परफॉर्मेंस ग्रांट 15 वित्त से विकास कार्य हो रहे थे वही उसी कार्यों को और आगे बढ़ाया जाए, इसी संबंध में माननीय कलेक्टर साहब से हम मिले और हमारा ज्ञापन सभी सदस्यों के माध्यम से हमने दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।